हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रॉब्लम सेट फिफ्टी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच इज गिवन बिलो फाइंड इट्स एरिया यहाँ पे स्क्वेयर की लेंथ दी हुई है देखो बच्चों ध्यान से सुनना है यहाँ पे जो स्क्र की डायग्राम होती है उसके जो ऑल साइड्स होते हैं या फोर साइड्स बोलते हैं उसको वो इक्वल लेंथ के होते हैं क्योंकि स्क्वेयर होता है इसलिए हर एक लेंथ जो हो गई उसकी स्क्वेयर की वो ट्वेल्व मीटर की हो गई हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्र क्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ये एरिया ऑफ स्क्र निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे स्वाइड ऑलरेडी दी हुई है ट्वेल्व ट्वेल्व मीटर की ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर स्क्वे मीटर यहाँ पे जो यूनिट यूनिट दिया हुआ है साइड का वो मीटर था इसलिए जब एरिया ऑफ स्क्र निकाल रहे तो उस, उसका यूनिट बन जाता है स्क्वेयर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे भी स्क्वेयर की लेंथ दी हुई है सिक्स सेंटीमीटर की हमें एरिया ऑफ स्क्र निकालना है इसलिए फार्मूला राइट डाउन किया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय जा थर्टी सिक्स यहाँ पे सेंटीमीटर उसका यूनिट था इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया स्क्र सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मीटर यहाँ पे भी ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वेयर की साइड दी हुई है एरिया निकालना है स्क्वेयर का इसलिए फार्मूला राइट डाउन किया एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 25 दोनों का मल्टिप्लेकेशन किया तो 625 स्क्वेयर मीटर यहाँ पे जो 25 का स्क्वेयर यूनिट दिया हुआ है वो मीटर दिया हुआ है इसलिए जब 25 मीटर स्क्वेयर का हमें एरिया निकालना है तो उसका एरिया का जो यूनिट है उसको हम स्क्वेर मीटर ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर का एरिया निकालना है एरिया ऑफ स्क्र का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं एरिया ऑफ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू साइड दी हुई 18 18 मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो मल्टीप्लीकेशन आया थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर यहाँ पे इसका जो यूनिट था सेंटीमीटर था इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते है स्क्वेयर सेंटीमीटर अभी ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वेयर का यहाँ पे यूनिट लगाया हमने स्क्वेयर सेंटीमीटर सेकंड क्वेश्चन देखते है इफ द कॉस्ट ऑफ वन स्क्र मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज नाइन हंड्रेड रुपीज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ अट ऑफ अ लैंड्वेंटी फाइव मीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी मीटर ब्रॉड यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रीथ दी हुई है प्लॉट की वो ड्रॉ करते हैं पहले यहाँ पे रेक्टेंगल की ड्राइग्राम बन गई क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी फाइव जो मीटर है लॉन्ग दी हुई है और उसकी जो ट्वेंटी मीटर है वो उसकी ब्रेथ दी हुई है यानी यहाँ पे 20 मीटर उसकी लेंथ हो गई और 20 25 मीटर उसकी लेंथ हो गई और 20 मीटर उसकी ब्रेथ बन गई पहले एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट था इसलिए एरिया ऑफ प्लॉट कैसे लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू यहाँ पे लेंथ दी हुई है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी हुई है ट्वेंटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया ट्वेंटी हंड्रेड जीरो कैरिटेन ट्वेंटी टू यानी फाइव हंड्रेड स्क्वेयर मीटर ये बन गई एरिया ऑफ प्लॉट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था द कॉस्ट ऑफ वन स्क्वेयर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज नाइन हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड रुपीज फोर कॉस्ट ऑफ वन स्क्वेयर मीटर ऑफ प्लॉट यानी यदि हम वन स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है तो वो नाइन हंड्रेड रुपीज है यहाँ पे हमें फाइव हंड्रेड मीटर प्लॉट की कॉस्ट निकालनी है देयर फोर डाउन करते हैं देयरफॉर फोर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड स्क्वेर मीटर ऑफ प्लॉट प्लॉट जो है वो फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है इसलिए यहाँ पे रेड डाउन करेंगे नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड यहाँ पे टू जीरो थे यहाँ पे टू जीरो तो टोटल जीरो बन गए फोर और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव यानी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रूपीज ये बन गई कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड स्क्र मीटर प्लॉट यानी जो प्लॉट था फाइव हंड्रेड स्क्र मीटर का उसकी कॉस्ट कितनी है तो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं द साइड ऑफ अ स्क्र इज फोर सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट सेंटीमीटर एंड इट्स वीर्थ इज टू सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ बोथ फिगर देखो पहले स्क्वेयर की साइड दी हुई है यहाँ पे स्क्वेयर की साइड दी हुई है और रेक्टेंगुलर जो, रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है पहले जो स्क्वेयर की लेंथ दी हुई वो राइट डाउन कर लेते हैं देयर फोर साइड ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू फोर सेंटीमीटर देअर फोर उसका पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं जिसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं देयर फोर यहाँ पे पहले पेरीमीटर पूछा इसलिए पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू उसका फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय साइड दी हुई है फोर सेंटीमीटर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या फोर फोर जा सिक्सटीन यानी जो पेरीमीटर मिल गई स्क्वायर की वो सिक्सटीन मिल गई उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट था इसलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ गया उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं देयर फोर एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड साइड दी हुई है स्क्वेयर की फोर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया फोर फोर जा सिक्सटीन यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट था इसलिए यहाँ पे स्क्वे सेंटीमीटर अभी जो स्क्वेयर था इसकी पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर ली उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लिया अभी जो रेक्टेंगल दिया हुआ इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की लेंथ है एट सेंटीमीटर और उसकी ब्रिथ है टू सेंटीमीटर अभी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस टू मल्टीप्लाई बायथ मल्टीप्लाई लेंथ दी हुई एट प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी हुई टू इक्वल टू टू एट जा सिक्सटीन प्लस टू टू जा सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी सेंटीमीटर यह बन गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी फाइंड आउट करना है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ क्या दी हुई है एट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी हुई है टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या एट टू सिक्सटीन और जो यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूनिट क्या मिल गया स्क्यर सेंटीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल गई ट्वेंटी सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया सिक्सटीन स्क्वेयर सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था देखो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ फिगर यानी जो स्क्यर है स्क्यर की पेरीमीटर हमने फाइंड आउट की सिक्सटीन सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्र फाइंड आउट किया वो भी सिक्सटीन स्क्वेयर सेंटीमीटर आ गया उसके बाद जो रेक्टेंगल था रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट की ट्वेंटी सेंटीमीटर मिल गई और एरिया फाइंड आउट किया सिक्सटीन स्क्वेर सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं विल बी द द लेबर कॉस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल दैट इज सिक्सटीन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्वेल्व मीटर वाइड इफ द कॉस्ट ऑफ लाइंग वन स्क्र मीटर इज एट्टी रुपीज यहाँ पे असेंब्ली हॉल है, है इसकी दी हुई है पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सिक्सटीन सेंटीमीटर की लेंथ है और ट्वेल्व सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर दिया हुआ है सिक्सटीन मीटर और ट्वेल्व मीटर दोनों मीटर में दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पे मीटर राइट डाउन कर लेते हैं जो असेंबली हॉल है इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं देयर फॉर एरिया ऑफ असेंबली हॉल असेंबली हॉल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाय बाय ब्रेथ पे लेंथ दी हुई है पेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी हुई है 12, दोनों का कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन करतेसन यानी वन हंड्रेड एन टू स्क्वेअर मीटर ये मिल गया हमें असेंबली हॉल का एरिया उसके बाद कॉस्ट दी हुई है वन स्क्वायर मीटर इज एट्टी रुपीज इसलिए राइट डाउन करते हैं कॉस्ट ऑफ वन स्क्वेयर मीटर इज एट्टी वन स्क्वायर मीटर को कितने रुपीज लग रहे एट्टी रुपीज हमारा असेंबली हॉल का एरिया जो है वो दिया हुआ है वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू स्क्वेयर मीटर अभी इसका जो लेबर कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए राइट डाउन करते हैं कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर इज 192 हंड्रेड बाय नाइन्टी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर का लेबरिंग कॉस्ट हमें मिल जाएगा अभी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बताती हूँ 192 हंड्रेड एंड नाइन्टी टू मल्टीप्लाई बाई एट्टी एट्टी से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब जो जीरो है वो लास्ट में हम राइट डाउन करेंगे सिर्फ एट से मल्टीप्लाई करते हैं एट टू जा सिक्सटीन सिक्स कैरी वन एट नाइन जा 72 टू प्लस वन 73 थ्री कैरी सेवन एट वन 8 एट प्लस सेवन फिफ्टीन इक्वल टू आंसर मिल गया वन फाइव थ्री सिक्स और जो जीरो जीरो था इसको राइट डाउन किया यानी फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटीन ये हो गया लेबरिंग कॉस्ट व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लाइंग फ्लोर ऐसा पूछा था इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं डेयर फ्लोर द लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट इज 15,360 रुपीस यानी जो असेंबली हॉल है इसका लेबरिंग कॉस्ट कितना हो गया फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अभी थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में जो डायग्राम बताई गई है उस पिक्चर में हमें क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है द पिक्चर अलॉन्ग साइड सम स्क्वेयर्स फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वेयर्स विद द सेम मेजर्स विल फिट इन द एम स्पेस इन द फिगर यहाँ पे ऐसी डायग्राम बनाई गई है क्वेश्चन नंबर फिफ की यहाँ पे पूछा गया है कि जो एम टी स्पेस है यहाँ पे कितने स्क्वेयर हम और ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा पूछा है देखो यदि हम यदि इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं देखो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगा के आपको बता रही हूँ यहाँ से ऐसी लाइन हमने खींची उसके बाद यहाँ से भी लाइन ड्रॉ की तो हम कितने स्क्वायर बना सकते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी जो एम टी स्पेस थी यहाँ पे एम टी स्पेस में हम सिक्स स्क्वेयर्स ड्रा कर सकते हैं इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था यहाँ पे इसका आंसर हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से भी यहाँ पे भी ऐसा राइट निकाल सकते थे यहाँ से ऐसा फिर स्ट्रेट लाइन निकालना है वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल लाइन निकालना है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी टोटल जो यहाँ पे जो एम टी स्पेस थी एम टी स्पेस में हमने कितने स्क्स ड्रॉ कर सकते है यहाँ पे हम सिक्स स्क्स ड्रॉ कर सकते है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है डिवाइड द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड इंटू फोर पार्ट इन सच वे दैट एरिया एंड द शेप ऑफ ईच पार्ट इज सेम कलर द पार्ट विद डिफरेंट कलर हमें डिफरेंट कलर से भी उसको कलर करना है ऐसा पूछा गया है यहाँ पे यहाँ पे टोटल स्क्वेयर कितने हैं पहले वो काउंट करने होंगे क्योंकि टोटल स्क्वेयर को हमें फोर पार्ट में डिवाइड करना है इसलिए पहले टोटल स्क्र काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटल स्क्वेयर कितने हैं ट्वेल्व है टोटल स्क्वेयर उनको हमें फोर पार्टस इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं इसलिए इसको डिवाइड बाय फोर कर लेते हैं तो आंसर मिल गया है थ्री यानि यदि एक पार्ट में हम थ्री स्क्वेयर लेते हैं तो हमारे फोर पार्ट बन, जा, बन जाएंगे देखो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट उसके बाद यहां से लेके यहाँ पे बन गए सेकंड पार्ट उसके बाद यहां से लेके यहाँ तक बन गए थर्ड पार्ट और यहां से इन अ सच वे दैट एरिया एंड शेप ऑफ ईच पार्ट इज सेम हमें जो शेप बनाना है वो भी हमें सेम बनाना है देखो ध्यान से सुनना है बच्चों शेप जो बना रहे हैं हम लोग सेम बनाना है इसलिए यहां से ऐसी स्ट्रेट लाइन यदि हम निकालते हैं तो उसका शेप जो है वो सेम नहीं होता इसलिए देखो कैसे ड्रॉ करना है हमें फर्स्ट पार्ट हमारा राइट बन गया सेकंड पार्ट बना लेते हैं यहाँ पे एल शेप बन गया सेकंड पार्ट ऐसा बना लेते हैं ये भी एल शेप बन गया यहां से लेके यहाँ तक ये भी एल शेप बन गया उसके बाद यहा से लेके यहां तक ये भी एल शेप बन गया यानी फोर हमने इक्वल पार्ट्स बनाए और जो शेप बन रहा है हमारा वो शेप भी कैसा बन रहा है एल आकार एल आकार का बन रहा है देखो यहां से यानी हम इसको ऐसा आकार भी बना रहे हैं और सिंपल जैसा एल है ऐसा आकार भी हम बना रहे ऐसे आकार से यानी शेप हम बना रहे इक्वल शेप बन रहा है यानी यदि हम इसके फोर पार्ट्स बना रहे हैं तो हमें एक पार्ट में कितने स्क्वेयर्स ले रहे हैं हम वन टू और थ्री यानी थ्री थ्री स्क्वेयर यदि हम लेते हैं वन पार्ट में तो हमारे फोर इक्वल पार्ट बन जाते हैं और जो शेप है वो भी हमारा सेम बन रहा है आज हमने प्रॉब्लम सेट फिफ्टी देखा यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो